यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक नारी सशक्तिकरण अभियान चालू किया है। इससे कोई भी व्यक्ति महिलाओं को परेशान ना कर सके, उसके लिए बहुत सारी सुविधाओं के बारे में बताया गया है। महिला सशक्तिकरण को बेहद आसान शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है। इससे महिलाएं शक्तिशाली बनती हैं, जिससे वे अपने जीवन से जुड़े सभी फैसले स्वयं ले सकती हैं और परिवार और समाज में अच्छे से रह सकती हैं। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना महिला सशक्तिकरण है। लड़कियों को सशक्त बनाना है, इसमें हम किस चीज का रोल अदा कर रहे हैं? शक्ति दीदी का। किस चीज का? शक्ति दीदी का। फोर्थ जो हमारा फेज है मिशन शक्ति करने के लिए, आपके साथ विश्वास बांधने के लिए, ठीक है, जिससे कि आप हमें चीजें शेयर करें। जैसे आप अपनी बड़ी सिस्टर के साथ घर पे शेयर करते हैं चीजें, ऐसे ही आप हमसे शेयर करें। आपके साथ कभी कोई गलत हो रहा है इनकेस घर में बाहर, या आप होते हुए देख रहे हैं कहीं इस तरह का, तो आप उसे कैसे रोकेंगे? दूसरों को तो आप हमसे शेयर करिए, ठीक है। तो ये एक मिशन शक्ति का जो अभियान है, इसमें महिलाएं जो हैं, लड़कियां, महिलाएं जिनकी शादी हो गई, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई तो दी गई है, ठीक है, ऐसे ही दी गई है, ठीक है, जिसमें छोटी बच्चियां हैं, दो बच्ची होती है, दो ऐसे ही राष्ट्रीय पोषण मिशन है। कोई महिला गर्भवती है, उसके खाने पीने के लिए चना, दलिया, दाल, इस तरह की चीज़ें सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जाती है, ठीक है। एक सामूहिक विवाह योजना है आपकी, इसमें कोई बच्ची है 18 साल से ऊपर में आ रही है वो लाइन में, तो उसके लिए भी ये योजना है। अगर आप अपने आस पड़ोस में, रिश्तेदारी में जाके बताएंगे इस चीज़ को, हो सके वो इस योजना का लाभ उठा सके, ठीक है, क्योंकि इस योजना से बहुत सारे लोग क्या हुए हैं, लाभान्वित हुए हैं, ठीक है। इसी को लेकर आज थाना मलपुरा में विद्यालय के छात्र छात्राओं को थाना अध्यक्ष अजय कुमार और महिला कांस्टेबल पूजा कुमारी ने छात्र छात्राओं को नारी सशक्तिकरण के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अगर कोई मनचला आपको परेशान करता है तो आपको 112 व महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 पर कॉल करके शिकायत कर सकते हैं। आपकी शिकायत गुप्त रखी जाएगी और आपके लिए उचित कार्रवाई की जाएगी, जिससे आगे कभी कोई मनचला और आवारा टाइप का लड़का आपको परेशान नहीं करेगा। फिर आप हमेशा टेंशनाइज रहोगे और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम ये नहीं कर सकते, हम एक लड़का परेशान कर रहा है, हम उसकी शिकायत नहीं करेंगे, चलो कोई बात नहीं। अभी एक बहुत अच्छी घटना मैंने ओपन की थी। एक लड़की है मेरे ही थाना क्षेत्र, और हार्डली तुम में ऐसी छोटी सी बच्ची है, वो एक कोई इस जगह की, ये नहीं बताना होता है, ये हमारे लिए और सबकी उसकी पहचान सुरक्षित रखने के लिए। उसने मुझे मेरे CUG नंबर पर मैसेज किया कि मेरे मोबाइल पर एक कोई व्यक्ति है, वो गंदे गंदे मैसेज भेज रहा है और मैं बहुत परेशान हूँ उससे। अब सिंपल सा उसके मेल पे एक मेल आया और उस मेल को हमने आगे फॉरवर्ड किया अपने दूसरे डिपार्टमेंट को, वहाँ से हमें पता चला कि ये मेल कौन भेज रहा है। उसका मोबाइल नंबर मिल गया हमको, उस मोबाइल नंबर उसकी आइडेंटिफिकेशन, ये व्यक्ति वो कौन है। उस लड़की को भी नहीं पता चला हमने कितनी तेजी वाला काम कर लिया, और जो लड़का था उसे पकड़ के यहाँ पर बहुत अच्छे से उसका ट्रीटमेंट हुआ है। जब उसके फैमिली के लोग आए, उसके और लोग आए, क्योंकि वो लड़का भी नाबालिग था, जब कुछ लोग कॉमनली इकट्ठे हो गए हमारे पास आए, तो उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने उसको वहीं पर ब्रेक डाउन कर दिया। लेकिन थाना अध्यक्ष मलपुरा अजय कुमार ने बताया कि अगर छात्राओं के साथ कोई मनचला गलत कर रहा है तो आप बिना हिचकी टोल फ्री नंबर 1090 पर शिकायत कर सकते हैं। आपकी शिकायत पर उचित कार्रवाई की जाएगी। इसमें थाना अध्यक्ष के साथ साथ महिला कांस्टेबल पूजा कुमारी, आरक्षी नीरज कुमार, आरक्षी नरेश कुमार आदि पुलिसकर्मी मौजूद रहे। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा देहात से कन्हैया लाल दुबे की खास रिपोर्ट।